हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना सोनम आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ नए वीडियो के साथ में। आज हम लोग जानेंगे साइको की पूरी सिलेबस, कैसे कैसे इसके एग्जाम होते हैं, कितने चरण में होते हैं। आज इसकी मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको तो मालूम है। आपको सबसे पहले है मेरे चैनल जिसका नाम है टारगेट ऑनलाइन टारगेट एजुकेशन, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, और साथ में अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करें। मैं आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूंगी। चलिए हम लोग अब अपने सिलेबस की ओर एक बार देखेंगे क्या करना है हमें, कितने तरह के टेस्ट होते हैं। ये जो साइको टेस्ट होते हैं इसमें आपके 5 टेस्ट लिए जाते हैं, जिसके लिए आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे पहले से ही आपके साइको विशेषज्ञ उपलब्ध होते हैं, जो आपको हर सेट से पहले सारी जानकारी उस सेट के बारे में उपलब्ध कराते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको वो देंगे। उसके बाद एक प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर आएंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं इस बार जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, इसलिए आपको एग्जाम देना है कंप्यूटर पर ही, तो वो सारी चीजें आपको आपके विशेषज्ञ बताएंगे। लेकिन मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देती हूँ ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो जाएं। घबराना नहीं है, रिजल्ट होगा, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। लेकिन हाँ, मैं जितना करती हूँ उतना कीजिए और पूरे मन और लगन से कीजिए। आइए हम लोग मेमोरी के बारे में जानते हैं। यह मेमोरी टेस्ट है, इसका नाम है मेमोरी टेस्ट, जिसमें 5 टाइप्स होते हैं। उसमें से किसी एक टाइप को आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर पर, और उसी के 2 टाइप सेट्स मिलेंगे आपको। एक सेट खत्म होने के बाद दूसरे सेट आएंगे, जिसके लिए प्रत्येक सेट के लिए आपको 4 से 6 मिनट का टाइम मिलता है। 4 से 6 मिनट के टाइम में आपको 12 से 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और यहाँ पे जो 4 से 6 मिनट आप देख रहे हैं, ये 4 से 6 मिनट पूरी प्रक्रिया के लिए है, जिसमें 2 मिनट आपको मेमोरी को याद करने के लिए दिए जाते हैं और 2 मिनट में आपको आंसर करने होते हैं मेमोरी को। और इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे एक होता है आपका हाउस मेमोरी, दूसरा है डायरेक्शन मेमोरी, इस टाइप के होते हैं। मैं वो अलग अलग वीडियो में बताऊंगी कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे इसको बनाना है। दूसरा जो टेस्ट होना है वो आपका वो होगा डायरेक्शन फॉलोइंग टेस्ट। और हाँ, एक बात और भी याद रखिए कि हर एग्जामिनेशन के बाद आपको टाइम मिलता है, फिर से विशेषज्ञ आते हैं, आपको दूसरी क्वेश्चन बताएंगे, फिर आपके सामने टेस्ट आएंगे। तो दूसरा टेस्ट आपको देना है, पूरी टेस्ट में 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 5 टाइप के साइको देने होते हैं। तो जिसमें दूसरा था हमारा रेलवे बोर्ड का लैंग्वेज है ये डायरेक्शन फॉलोइंग टेस्ट। जहां भी आप देखें डायरेक्शन फॉलोइंग टेस्ट, इसका मतलब है वहां आपको टेबल टेस्ट या क्लॉक टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें टेबल टेस्ट से 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, क्लॉक टेस्ट से भी 1 और 2 क्वेश्चन होते हैं। सामान्यतः बहुत बहुत लोग आपको कहते मिलेंगे टेबल पूछता है तो एक ही मिलता है, ऐसी बातें नहीं है। मैंने 2012 के एग्जामिनेशन में देखा था बैंगलोर बोर्ड में, इसी टेबल का 2 क्वेश्चन पूछ दिया था। एक टेबल से 5 क्वेश्चन थे, दूसरी टेबल से भी 5 क्वेश्चन थे, और उसके लिए आपका निर्धारित समय था वो था 10 मिनट्स का। तो ये आपको 10 मिनट से करने होंगे। उसी तरह अगर क्लॉक से 1 क्वेश्चन होंगे, उसमें 10 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन के जवाब, जो भी क्वेश्चन होंगे वो 10 मिनट के जवाब देने होते हैं। सामान्यतः 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मिनट में करने। और अगर 1 क्लॉक 2 क्लॉक होता है तो 5 5 क्वेश्चन आपको हर क्लॉक से मिलेगा। इसके लिए निर्धारित समय जो है वो आपका है 10 मिनट। और साथ ही इन दोनों सेट्स में, इन दोनों टेस्ट में आपको गलतियां नहीं करनी है। ये भी एक टेस्ट है, ये भी एक टेस्ट है, इसमें कोई गलतियां ना हो। क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती ना हो ये कोशिश करना है। थर्ड आपका टेस्ट होना है वो है जो रेलवे बोर्ड की भाषा में डेप्थ परसेप्शन टेस्ट बोला जाता है, लेकिन हम लोग इसे ब्रिक्स और क्यूब के नाम से पढ़ेंगे। ये जो क्यूब्स आप देख रहे हैं ये नया सिलेबस डाला गया है 2014 के एग्जामिनेशन में, जो सबसे पहले पटना बोर्ड ने डाला था जहां तक मुझे ध्यान में है। ये क्यूब्स है जिसके लिए आपको क्वेश्चनों की संख्या होती है कुल मिला के 50, और उसके करने के जो टाइमिंग है वो आपको 5 मिनट में करने होते हैं। तो मैं वो भी बताऊंगी कैसे करने, और मैं गारंटी देती हूँ कि ये पूरे 5 मिनट में क्या आप 4 मिनट में ही 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और काउंट कर लेंगे। ये बहुत ही इजी है, जिसको सिर्फ लगता है कि भारी है, लेकिन जब एक ट्रिक पता चलेगा तो आप इसे तुरंत कर सकते हैं। तो घबराइए नहीं, मैं ये नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके मैं सारी वीडियो लेके आऊंगी। फिर जो आपका नेक्स्ट है वो है कंसंट्रेशन और सिमिलरिटी टेस्ट। कंसंट्रेशन टेस्ट पूछा जाएगा, हम लोग इसको सिमिलरिटी बोलते हैं, कहीं कहीं पे सिमिलरिटी भी आ जाएगा। तो इसमें क्या करना होता है, आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो 72 से 96 होते हैं। कितनी होती है संख्या,
72 से 96। और उसके लिए जो निर्धारित समय आपको मिल रहा है वो 4 से 5 मिनट में आपको इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। पांचवा टेस्ट है वो है यस और नो टेस्ट। पांचवा टेस्ट है वो है यस और नो टेस्ट, जिसके लिए भी आपकी क्वेश्चन की संख्या है 72 से 96 और इसके लिए भी निर्धारित समय है आपका 4 से 5 मिनट में आपको करने होते हैं। छठे है नंबर टेस्ट। छठा जो है आपका टेस्ट होना, जो प्रकार है उसका टाइप है वो है नंबर टेस्ट, जिसमें 5.6 पहले पूछा जाता था और 2014 में एक नया सिलेबस डाला गया वो है 5.9, जिसके लिए भी आपके क्वेश्चनों की संख्या कितनी है तो 72 से 96 है और इसके लिए भी 5 से 6 मिनट का समय आपको मिलता है। और ये जो आपने देखा अभी ये वन मेमोरी टेस्ट, दूसरा डायरेक्शन टेस्ट, इसका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, ये आपको इसी क्रम में मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे आपके ऑन स्क्रीन पर। लेकिन ये जो आपका सेक्शन है, क्योंकि मैंने कहा कि 5 ही टेस्ट आपसे लिए जाते हैं तो यहाँ आप पूछेंगे कि मैम यहाँ तो 6 है, इसी में से आपको कोई एक हटा करके 2 को डाला जाता है। जैसा कि 2012 के इस टेस्ट में सिमिलरिटी टेस्ट को नहीं लिया गया था, ये डायरेक्शन टेस्ट को नहीं लिया गया और यहाँ उसकी जगह पे यस नो टेस्ट और नंबर बेस्ड 5.6 को लिया गया था। लेकिन फिर वही 2014 की जब एग्जामिनेशन हुई तो इसमें सिमिलरिटी पूछा गया, किसी किसी बोर्ड ने यस नो को चुना और किसी किसी बोर्ड ने 5.6 और 5.9 को डाला। तो आपको भी ये सारी चीजों को पढ़ना होगा और करना कितना है, 5 ही टेस्ट वहां देना है, लेकिन पढ़ना आपको इतने सारे होंगे। मैं इसकी सारी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में देती चली जाऊंगी एक एक करके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, ये दोनों में मैं फिर कहना चाहूंगी, यहाँ दोनों में गलतियां नहीं करना है, इसको थोड़ा ध्यान से करना है। कम कीजिए, 50% ही कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन 100% करेक्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके रिजल्ट देने वाले सेक्शन है। अगर यहाँ गलतियां होती है तो रिजल्ट गिरने की संभावना ज्यादा होती है। कम बनाइए, सही बनाइए, ठीक है। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ। धन्यवाद।